इस तरह अपना देसी तड़के लाते हैं, तड़का लावांगे के टमाटर सॉस। टमाटर सॉस बनाने का एक अपना भी तरीका है भाई, क्रीम पाने तो बाद भी ज्यादा भुनना है या की करना है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाड़ा अपना ज़हीर अब्बास ते तुसी वेख रहे हो ज़हीर अब्बास MW चैनल। अज की साड़ी रैसपी होवेगी जो कि सानू बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है कि पास्ता इटालियन किस तरह बनाया जाता है। जिस तरह के पास्ता इटालियन तो बहुत ज़्यादा ने, लेकिन असी वो रैसपी शेयर करांगे कि जिहड़ी साड़ी इत्थे देसी बंदे भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। साडे ने शेफ टीकू जो कि इटली दे रेस्टोरेंट साडे विच शेफ भी ने, पिज़्ज़ा मेकर भी ने, ते जो इन्हां चार पांच डिशां अपनियां ऐसियां क्रिएट कीतियां ने कि जिदे विच अपने देसी बंदियां नूं बहुत ज़्यादा पसंद आ रही ने। ते अज दी साडी जो डिश होवेगी उहदा नाम इहदा गंबरेती जुकीन है। गंबरेती जिहड़ी हुंदी है इक फिश हुंदी है, इस फिश नूं इंग्लिश विच शायद श्रिंप कहिंदे ने, ते गंबरेती जुकीन है इहदा प्रॉपर नाम है। इहदे विच हुण तुहानूं असीं दस्सां ते कि चीज़ां किहड़ियां किहड़ियां पाउंदे आ। इह जी हो गई गंबरेती, नाल ए हो गए जुकीने जिन्हों अपनी जबान में कहने कालियां तोरियां। असी लिया ने सब्ज़ मर्चां, नाल असी ये थूम दी एक तुरी, नमक ए बिल्कुल पीसे आ, ते ए नमक है मोटा। ये नमक मोटा असी की करना होंदा, नमक मोटा असी जिस टाइम पानी उबालना होंदा ना, ये पानी दे विच सटिया जांदा ताकि पानी दे विच जिहड़ा ना इहदा अपना एक टेस्ट आवे जो कि पास्ते विच आवे। पास्ता है असी इहनू हाफ बॉयल कीते है क्योंकि पहले रेस्टोरेंट ते हाफ बॉयल किया जाता है, फिर बाद विच नाल ओह जल्दी काम हो जाता है, तुसी उहनू उस टाइम भी बना सकते हो। नाल इह क्रीम पाना जो कहा जाता है, ते नाल आयल असी लिया ओलीवे दा। यह सारिया चीज़ा मैं उम्मीद है कि तुम समझ आ गई होनी है। यह हूँ एक टमाटर सॉस, टमाटर सॉस बनाने का एक अपना भी तरीका है भाई, वो एक लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन बनी बनाई भी तुम्हें टमाटर सॉस लभ जाती है। वो तुम और कुछ भी नहीं करना जिस तरह असं हम बनाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी बनाई है, तो वो उत्ते एक और वीडियो बन सकती है कि किस तरह बनाया जाता है टमाटर सॉस। लेकिन यह टमाटर सॉस असी बना के रखी है, हूँ असी टीकू साहब को पूछा दे कि टीकू भाई जान इन्हें तुम किस तरह शुरू करो, की करो दे, साढ़े सामने शुरू करो जी। हाँ, सामने शुरू होगा जी बिल्कुल। हूँ असी थोड़ा जहा साइड धोने चूल्हा तो ऑन हो गया जी। जी बिल्कुल, ये असी पहले आयल पावे। अच्छा जी, अस बेजूरत कि बनाना है, असं हम तीन बंद बना रहे हैं जी। ये असं हम आलू पावे जिन्होंने थूम कहते हैं जी। थूम पाओ तुम भाई, थूम इन्हू थोड़ा जहा असी ब्राउन करना, फिर ये जिस तरह अपना देसी तड़के लाते हैं तड़का लावे। सही है, तो यह थोड़ा ए मैं पानी रखे उत्ते क्योंकि पास्ता साड़ा बॉयल हो या, इन्हू पास्ते गर्म करना जरूरी होंगे पानी में कलैदा। जे ये सॉस बना के ये ही पावे पास्ता, वो चीज़ नहीं होने, वो चीज़ नहीं बन लगी। इतने एक होर भी गल का खास ख्याल रखना है कि जे तुसी पास्ता पहले अगे हाफ बॉयल किए हैं, तो फिर दोबारा तू गर्म करने वास्ते भी थोड़े वास्ते बहुत जरूरी है कि तुम वास्ते पानी वक्रा उबालो। जे ती आखो ना कि असी एक ही पास्ता ये डायरैक्ट पा लाँगे जिद असी थूम सटे है, तो वह जायका नहीं बन लगा, शायद वो भज टुट जाता है पास्ता भी बेच, तो सही तरह खड़ा तड़ा नहीं रहा जी, मैंने अपना पंजाबी कहें। अच्छा, इन्हों ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जिस तरह का खा सकते हो इस तरह का ब्राउन करना है जी, नज़र आ रहा बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब सड़ जाएगा वो जी। सही बोला ये। अच्छा, हम सब्ज मिर्च ऐड करा। हला सब्ज मिर्च तो मेरा ख्याल है सिर्फ अपने देसी बंदे ता पा रहे हैं, देसी यूज करते हैं। जे ज्यादा बनाना हो, ज्यादा बंदियां दा, फिर एक दो सब्ज मिर्च यूज करेंगे, एक ही होवे तो नहीं तो दूसरी नॉर्मल यूज। नॉर्मल असी जेडी यूज करते ने इथे ब्लैक पेपर, वो ज्यादातर यूज होता है। इधर नाल ही विंडो तो ਤੁਹਾਡਾ हो गया जी जी। इधर नाल असी के ज़ुकीने पा लेंगे जी, कालियां तोरियां जी, कालियां तोरियां पा दीतियां। इनू कितनी देर तक इस तरह पकन देना है? इनू ऐ थोड़ा जे जिस समय तक इन ओ नहीं ना हो जाना ब्राउन, फ्राई नहीं हो जाना, ब्राउन नहीं हो जाना, उस टाइम तक इनू पकन देना। आप ही पता लग जाएगा कि यह किन्ना कु पकदा है पिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना कि सुक ही जाए, इन्ना कु रखना कि जिहड़ा सानू लगन लग पवे कि विचों तकरीबन गल गया, तो बिल्कुल फ्रैश कट्ठी है। इनू कोई पिछले पहले ना बॉयल किए है ना इनू किधरे, यह जी होंगी है ना गंबरेती मच्छी जी, ये पहले बॉयल होंगी है, बॉयल के नाल नाल नमकीन भी होंगी है, नमकीन तो ऑलरेडी मच्छी हर एक तुम वेखो दे कि तुम्हें जितनी मच्छियाँ लभन दियाँ तकरीबन सारिया ही नमकीन ने, क्योंकि समंदर का पानी ही नमकीन होंगे जी। जनाब पानी बॉयल हो गया, नमक इस हिसाब का सटना है कि थोड़ा ज़्यादा ना हो, क्योंकि पास्ते में ही पाना है, सिर्फ पास्ता जो दूसरा है ना बॉयल होया वास्ते जी, जिस तरह चावल उबालने होंगे ने अपनी बिरयानी वास्ते, तो वो थोड़ा जहा नमक लाजमी पाई दा ताकि चावलों के बिच भी नमक हो जाए, ये इसे तरह ही करना होंगे। थोड़ा जहाँ जी जी
गमरेती पा दें ताकि सारा इको जहा मसाला बन जाए। हाँ जी जनाब तुसी ये दसो हुण इहनूं किन्ना टाइम हो रहा है एवें दे प्यो वी तुहाडा सही हो कुलकंते हो गया जी जी गमरेती वी तुहाडी हो गई जी बिल्कुल थोड़ा या पानी विच आयल पा के दिओ। हाँ जी यार तुहाडा हुण मसाला तकरीबन तैयार हो गया जी ये तैयार हो गया दे विच हुण मैं टमाटर सॉस जिहनूं पमदर कहिंदे ने ओह पावांगा जी सही है तुसी जिन्नी जरूरत है। अच्छा ये एंड उत्ते पानी है नमक हमेशा बाद चेक करके पाना है जरूरत है या नहीं क्योंकि पास्ते च भी ऑलरेडी है टमाटर सॉस विच भी नमक है गंबरेती जिहड़ी फिश ओहदे विच भी है ते पास्ते च भी आया तुहानू इस वास्ते नमक जिहड़ा ओह एंड ते चेक करके पावांगे। अच्छा ते ए क्रीम पाण लगे क्रीम पाण लगे पाना ये बिल्कुल नमक थोड़ा जिहा पहले पानी है ए पहले पा दो नमक तुसी पहले जे पाणा पहले ऐड कर दो इस तरह तुहाडा ज्यादा नहीं होण लगा नमक। हां हां सिर्फ नमक दा खास ख्याल रखना हसबे जायका तुसी चेक करके ते पा सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਪਾਸਤੇ ਦੀ ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਤੇ ਪਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਮ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਟੀਆਂ ਚ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰੀਮ ਤੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਮੋਦੋਰੋ ਜਾਂ ਸੂਗੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਸੌਸ ਬਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ हाँ जी हूँ तुम ये पा लगे हो गर्म करने वास्ते सिर्फ जी पास्ता सिर्फ गर्म करने वास्ते पा रहे हैं सट्टो विच तैयार हो गई जी यानू एक बार नज़र मारे हाँ नेड़े आके ये हूँ सिर्फ असी नमक पाना है सही है भाई तुम्हें सिर्फ नमक पाना है बाकी नमक चेक कर लेना तुम्हें किन्ना चाहिए। अच्छा नमक तुम चेक कर लिया किन्ना चाहिए मैं बिल्कुल हल्का जहा नमक चाहिए क्योंकि पमोदोरो जी सूगो पाई वो नमक आया जी जी पहले पाने के चक्कर ना तुम ज्यादा कर सकते हो अक्सर ऐसा हो जाता सही है तुम बिल्कुल घट पाया एक बार विखाया है तो बिल्कुल देखो कैसा ए क्रीम टाइप बनया मसाला तो बहुत बेहतरीन लग रहा है तो ऐसा तकरीबन सूगो थोड़ी तैयार हो गई इनू हूँ बिचू कढ़ा सिर्फ गर्म किया जी सिर्फ गर्म किया तो जे सिर्फ थोड़े को इस तरह का नहीं आया तो तुम इनू पलटा भी सकते हो जिदे चावलों का पानी उतार दो जिस तरह घर बिरयानी वगैरह बनाते हो तो सामने में कि ये रैसपी तो बिल्कुल ईजी जी सी लेकिन ईजी चीज़ों वास्ते भी पता होना बहुत जरूरी है अगर पता ना हो तो अभी किस तरह पता लगे था कि इनू किस तरह शुरू किस तरह करना है तो एंड किस तरह करना है पानी बॉयल तो बाद मिनट में सारा कुछ तैयार कर सकते हो क्योंकि पानी बॉयल करके जो तुम पास्ता बॉयल करना है तो वह 5 मिनट ले लेंदा है जो पास्ता पास्ते पास्ते भी फर्क होंगे जी स्पगेती होंगी ज़्यादा टाइम ले लेंदी है जो इस तरह का पास्ता पैने होंगे इनू पैने कहने जी ये घट टाइम अच्छा ये घट टाइम लगता है तो वैसे अगर जिस टाइम तुसी ते ए हाफ बॉयल किए अगर बॉयल पास्ते नू करना पवे नॉर्मल उस टाइम ही तो कि टाइम लगता जिस टाइम तुहाडा पानी गर्म हो जाता सही जिहड़ा उबल कहने वह बाद तकरीबन 3 to 4 मिनट बाद तुहाडा जिहड़ा पास्ता बॉयल हो जाता स्पगेती क्यों ना हो स्पगेती 5 to 6 मिनट लगी सही है डिपेंड है तुसी पानी कितना गर्म किए पानी सही जिहड़ा ना बॉयल होना चाहिए जिवें आ नहीं बॉयल हो रहा है ज़्यादा बॉयल होना चाहिए जदों बॉयल करना उदों ही पास्ते पानी दे विच नमक पाने मतलब कोई भी पास्ता पाने तो पहले पानी दे विच नमक पानी दे विच नमक होना जरूरी है जी सही है लो जी तैयार हो गया तां तुहाडा तैयार हो गया ते इहनूं हुण असीं पावांगे प्लेटां दे विच ते असीं खावांगे तुसीं वी अपने घरार बना के खाओ ते मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं अज्ज दी रैसिपी पसंद आई होवेगी तो मजीद जिहड़ी भी कोई रैसपी चाहिए होवे तुसीं सानूं कमेंटां विच ही लिख सकते हो तो असीं इंशाल्लाह इटालियन रैसपी आप किस्म की शेयर करने की पूरी कोशिश करा दे आ जाओ जी जनाब खाइए।
हाँ जी नज़र मारो हाँ एक बार कैसी लग रही है तुम्हें। मैं उम्मीद है कि वेखने भी तुम बहुत अच्छी लग रही होगी। असी खावांगे तेरे।